हे गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही कमाल की ट्रिक, जिससे आप अपने डार्क सर्कल्स को बहुत ही अच्छे तरीके से छिपा सकते हैं विथ यूजिंग ओनली 3 प्रोडक्ट्स। यस, ओनली 3 प्रोडक्ट्स। आप सिर्फ 3 प्रोडक्ट को यूज़ करके अपने डार्क सर्कल्स को बहुत ही ईजी वे में अच्छे तरीके से छिपा सकते हैं। एंड दोज प्रोडक्ट्स आर, सिर्फ ये 3 प्रोडक्ट को यूज़ करके आप बहुत ही अच्छे तरीके से अपने डार्क सर्कल्स को छिपा सकते हैं। फॉर दिस आई एम यूजिंग अ कंसीलर। ये मेरा कंसीलर है कलर एसेंस का इन द शेड बेस। और उसके बाद आई एम यूजिंग दिस L18 पॉप मैट लिपस्टिक इन द शेड ऑरेंज। यस, लिपस्टिक आई एम यूजिंग फॉर हाइडिंग माई डार्क सर्कल्स। और उसके बाद मैं यूज़ करने वाली हूँ लैक्मे एब्सोल्यूट का फेस पाउडर। आप कोई भी फेस पाउडर यूज़ कर सकते हैं, और आप चाहें तो आप नॉर्मल पाउडर जो होता है जो अपने फेस पे अप्लाई करते हैं, आप लूज़ पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, देर इज़ नो इशू। आई एम यूजिंग फेस पाउडर फॉर दिस। तो चलिए जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो मैं यूज़ कर रही हूँ सबसे पहले ऑरेंज लिपस्टिक। आप किसी भी ब्रांड के लिपस्टिक ले सकते हैं। मैंने लिपस्टिक लिया है L18 कलर पॉप मैट लिपस्टिक इन द कलर इन द शेड ऑरेंज। ऑरेंज कलर की लिपस्टिक आपको लेनी है। आपको बिल्कुल इस तरीके से अपने फिंगर पे इसे अप्लाई करना है, और फिर इसे एक डॉट 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 करके आपको अपने डार्क सर्कल्स पे अप्लाई करना है। और जहाँ भी आपके डार्क सर्कल्स हैं, बस आपको वहीं पे ये लिपस्टिक को अप्लाई करना है, उसके बाहर नहीं जाना है बिल्कुल भी नहीं। तो आपने देखा, मैं मेरे डार्क सर्कल्स यहाँ हैं। और फिर इसके बाद मैं इसे इस तरीके से डैब 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 करके अप्लाई कर ले रही हूँ। और आपको इस तरीके से स्क्रैच करके अपने लिपस्टिक को अप्लाई नहीं करना है, वरना आपके लिपस्टिक यहाँ से निकल जाएगी। आपको सिर्फ डैब 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 करना है, जैसे मैं कर रही हूँ। और हियर वी गो, ये मेरा अच्छे तरीके से। और ये आउटर कॉर्नर जो है, आउटर पार्ट, इसको आपको अच्छे से ब्लेंड कर लेना है अपने स्किन से। तो ये बिल्कुल अच्छे तरीके से हो गया है। आफ्टर दैट आई एम यूजिंग कंसीलर। ये मेरा कंसीलर कलर एसेंस का है। जो भी कंसीलर यूज़ करते हैं आप, उसको अप्लाई करें। और इसको भी मैं बिल्कुल इस तरीके से ले रही हूँ अपने फिंगर पे, और इसको भी इसी तरीके से डैब 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 करके अप्लाई करना है अपने डार्क सर्कल्स के ऊपर, जैसे मैं कर रही हूँ। इसको भी स्क्रैच नहीं करना है बिल्कुल भी। आप जैसा कि देख रहे हैं, मेरे डार्क सर्कल्स ऑलमोस्ट गॉन हो गए हैं। आप जैसा कि देख रहे हैं, मेरे इस तरफ का डार्क सर्कल्स पूरे अच्छे तरीके से दिख रहा है, और यहाँ का बिल्कुल हाइड हो गया है आल्सो। चलिए, इसके बाद मैं यूज़ करने वाली हूँ फेस पाउडर। तो मैं फेस पाउडर अप्लाई कर ले रही हूँ इस एरिया पे। आप फेस पाउडर जैसे भी इस्तेमाल करना चाहें, विद द हेल्प ऑफ ब्रश और स्पंज और अ ब्यूटी ब्लेंडर, इट्स अप टू यू। तो आप जैसा कि देख रहे हैं, मेरी इस तरफ की जो आई है वो एक अलग ब्राइटनेस जैसी दिख रही है, और इस तरफ की जो आई है वो थोड़ी डल जैसी दिख रही है। और आप सोच रहे होंगे कि भाई, ये तो हम सिर्फ कंसीलर यूज़ करके भी अपने डार्क सर्कल्स को हाइड कर सकते हैं, तो इसके लिए हमें लिपस्टिक यूज़ करने की क्या ज़रूरत है, बस कंसीलर लगाया, पाउडर लगाया और हियर वी गो। बट मैं आपको दिखला रही हूँ, आप मानेंगे नहीं, मैं आपको ट्राई करके दिखाती हूँ। मैं इस आई पे सिर्फ कंसीलर यूज़ करके दिखला रही हूँ आपको, अप्लाई करके दिखला रही हूँ। उसके बाद मैं फेस पाउडर को यूज़ करूँगी, अप्लाई करूँगी अपने आई पे। जैसा कि मैंने इस आई पे लिया है, मैं बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पर भी ले रही हूँ इस आई के लिए भी, और इसको भी मैं इस तरीके से अप्लाई कर ले रही हूँ। बिल्कुल वही डैब 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 करके आपको इस पे भी यूज़ करना है।
मैं थोड़ी ज़्यादा ही कंसीलर यूज़ कर रही हूँ ताकि अच्छे तरीके से मेरा डार्क सर्कल हाइड हो जाए, और इसके भी आउटर पार्ट्स को मैं ब्लेंड कर ले रही हूँ अपने स्किन से अच्छे तरीके से। ये पूरी तरीके से ब्लेंड हो गया है और इसको भी मैं अच्छे तरीके से ब्लेंड कर ले रही हूँ। मैंने अपने इस आई को भी कंसीलर लगा के ब्लेंड कर लिया अच्छे तरीके से, और यहाँ तो आप देख ही रहे हैं। और इसके बाद मैं फेस पाउडर यूज़ कर रही हूँ। गाइज, जैसा कि आप देख रहे हैं, मेरा इस आई का जो डार्क सर्कल है वो बहुत ही अच्छे तरीके से हाइड हो गया है, और एक नेचुरल ग्लो की जैसा मेरे ये आई दिख रही है। और ये वाले आई का डार्क सर्कल आप देखिए, यहाँ पे एक अलग अलग सा ना पैचीनेस और एक अलग सी ग्रीन ब्लैक अलग कलर टोन जैसा, यहाँ मेरे ये चांद का शेप यहाँ पे आप जैसे कि देख सकते हैं, ये जैसे मैं देख पा रही हूँ, ये अलग यहाँ ये पार्ट, ये अलग, ये हाफ मून बना है यहाँ पे। यहाँ इस आई पे मैंने सिर्फ यूज़ किया है कंसीलर और फेस पाउडर, और इधर मैंने अप्लाई किया है ऑरेंज लिपस्टिक, कंसीलर और फेस पाउडर। और आप मैं बहुत अच्छे तरीके से देख रही हूँ, ये मेरी इस तरफ की जो मेरी आई है ना वो ग्लो कर रही है, और इस तरफ की जो है ना वो एकदम बिल्कुल डल की तरीके से दिख रही है। और इसके अलावा मैंने कोई भी आई मेकअप इस्तेमाल नहीं किया है। हे गाइस, दैट्स ऑल फॉर टुडे। होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो गिव्स अ थम्स अप टू दिस वीडियो एंड कमेंट डाउन बिलो। मुझे कमेंट करके बताओ कि आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी, और आप मेरी नेक्स्ट वीडियो किस चीज़ पर देखना चाहेंगे आप मुझे कमेंट करके बताइए। एंड शेयर माई दिस वीडियो, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब माई चैनल, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस दी बेल आइकन फॉर गेटिंग अ नोटिफिकेशन ऑफ माई नेक्स्ट वीडियो। और मिलते हैं मेरे नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन, सायोनारा।